बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक हैं मिस्टर टॉक मोबाइल का ब्यूटी पार्लर एंड गैजेट बार, एड्रेस रजबन का पुल नियर हनुमान चौक मेरठ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुक्रवार को सम्राट एवेंस होटल में डबल डिलाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान के अंतर्गत हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन आदि सुविधाओं के साथ साथ छोटे उद्योगों के लिए लोन आकर्षक ब्याज दर एवं आसान प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर बैंक के उप महाप्रबंधक डीएन एवं राजेंद्र कुमार ने मेरठ में इस अभियान का शुभारंभ किया और बैंक के सभी शाखा प्रबंधकों को बैठक में संबोधित करते हुए बैंक कर्मियों से बैंक की साख बढ़ाने के लिए अपील की। कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र कुमार का कहना था कि बैंक द्वारा हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन आदि पर कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं होगा एवं सेंट शॉप, सेंट डिटेल, सेंट मॉर्टगेज प्रक्रिया शुल्क में 25% छूट दी जा रही है। इस मौके पर विनोद कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक ने भी सभी शाखा प्रबंधकों को संबोधित करते हुए अवगत कराया कि लोन को रेपो से जुड़ी ब्याज दरों पर प्रदान किया जा रहा है। होम लोन की सुविधा 8% की ब्याज दरों से दी जा रही है। इस दौरान मेरठ जोन के अन्य बैंक कर्मी भी मौजूद रहे। गुड मॉर्निंग, आई एम राजेंद्र कुमार, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई। टुडे वी केम हियर टू लॉन्च वन डबल डिलेट कैंपेन विच हैज बीन लॉन्च्ड फॉर फ्रॉम टुडे एंड इट विल बी अप टू 31st December, दैट इज फॉर 45 days। एज यू नो दैट एक्चुअली वी आर under PCA still, but for the last 2 quarters we performed well, and in almost all parameters our performance has been improved a lot. Out of the major parameters prescribed by the Government of India for PCA, we are much above the required level of capital adequacy ratio, and return on assets also we are comfortable, and leverage ratio also very very comfortable, and we are able to contain the NPAs. So our NPA, gross NPA and net NPA percentage has been come down very drastically. But somehow there was a degrowth in advance portfolio, because now our bank has been giving much focus on the RAM, that is means retail, agriculture and MSME sectors. So to sensitize the people and to quick launch the program, double delayed campaign, today I came over here. Under this campaign, all our branches, including all our staff members, including regional manager, starting from sub-staff to the top brass of the bank, everybody will be involved in giving the retail loans and MSME loans. That is the main purpose of today's objective. So we are all now giving the retail loans. That means actually housing loan, vehicle loan, education loan, personal loan, pension loan, or any MSME loan for any sector, service sector or manufacturing sector. Much focus will be given. So during this offer, and most of the products we waived the processing charges. In some of the products we very much reduced the processing charges, and turnaround time also has been reduced. And particularly for housing loan, our rate of interest 8% is the lowest in the industry, much more lower than the all of peer banks also. मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ और आज से हमारा बैंक एक डबल डिलाइट कैंपेन स्टार्ट कर रहा है जो अगले 45 दिन तक चलेगा, 31 दिसंबर तक। इस कैंपेन के दौरान हमारे बैंक द्वारा विभिन्न तरह के रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन और एग्रीकल्चर लोन को बढ़ाने के लिए हमारी सभी शाखाएं लोन वितरित करेंगी, स्वीकृत करेंगी। और चूंकि हमारी बैंक पिछले विगत कुछ समय से रिजर्व बैंक द्वारा पीसीए में रखी गई है, तो लेकिन इन दिनों में हमारी बैंक ने बहुत सारी प्रगति की है। थोड़ा सा अभी एनपीए में हमारा परसेंटेज हाई है, लेकिन एनपीए में भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन लेंडिंग हमारे यहाँ थोड़ी सी कम हो पाई है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमारे रिटेल और एमएसएमई और एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक से अधिक लोन देने के लिए कैंपेन मूड में 45 दिन तक हमारी सभी शाखाएँ, सभी स्टाफ काम करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है। उसके लिए आज ये उसका इनागरल सेशन है। उसके लिए हमारे हेड ऑफिस से श्री राजेंद्र कुमार जी, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, आए हुए हैं, जो सभी हमारे ब्रांच मैनेजर्स को इसके बारे में, कैंपेन के बारे में इन्होंने बताया और सबको मोटिवेट किया कि इसमें अधिकतम अच्छे जितने भी ऋणी हैं, जितने भी
लोन लेने वाले लोग हैं उनको लोन दिया जाए कैंपेन मोड में। यही इस आज की बैठक का हम लोगों का सारांश है और हम लोग बहुत बृहद तरीके से इस 45 दिन लोन करने वाले हैं जिससे हमारे बैंक के मतलब ऋण के पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हो और हमारी बैंक पीसीए से बाहर आ जाए। और हमारी बैंक के सभी लोग कटिबद्ध हैं और दृढ़ संकल्प हैं कि हमारी बैंक बाय द एंड ऑफ दिस मार्च पीसीए से बाहर आ जाए। धन्यवाद।